नमस्कार मैम, कहाँ नमस्ते। हम से आए हैं आप? आए हैं बंगाल से, कोलकाता हावड़ा। दिलो याद कीता मेरी जान, आ गया भर जाता सांपो तूफान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत ही मजे में होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं मुगल गार्डन, और अभी ये भी मेरे पास आया है, और क्योंकि ये श्रीनगर में ही है, आपको पता, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। और आज जा रहे हैं हम मुगल गार्डन, और अभी यहाँ से निकल रहे हैं। आगे जैसा भी रहेगा तो आपको पूरा बताएंगे, और व्लॉग में बने रहना एंड तक। गाइस, आज के व्लॉग में जो है वो बहुत खाने वाला जाएगा, मजा आने वाला है। तो निकलते हैं यहाँ से, आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे रुके थे अभी थोड़ा, और अभी यहाँ से चलते हैं मुगल गार्डन, और स्टोरी भी करनी है वहाँ पे, और जैसा रहेगा वहाँ पे तो आपको पूरा बताते हैं। तो फाइनली गाइस, यहाँ से निकल चुके हैं, और शेयर लाइक कमेंट कर देना, और बताना कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लग रही हैं। और रास्ता एक ही जाता है इन गार्डनों में, आप शालीमार जाओ, चाहे निषाद जाओ, चश्माशाही जाओ, कहीं भी जाओ तो यहीं से ही रास्ता निकलता है सारा। और सामने गाइस देखो कितना क्राउड है, कितना रश है, और व्यू चेक करो सामने, कितना मस्त व्यू आ रहा है। गाइस, इतनी बारिश थी ना, और इतना मौसम ख़राब था कि आपको क्या बताऊँ। बारिश का मौसम था और ठंड इतनी थी ना, और ऊपर ऊपर जो वो सोनमर्ग साइड और गुलमर्ग साइड जो है वो बर्फ़, काफ़ी बर्फ़ गिरी, और जो श्रीनगर में इधर बारिश हुई थी, और इतनी बारिश थी कि आपको क्या बताऊँ, बाहर निकलने नहीं हो रहा था, और इतनी सर्दी थी। और आज मैंने सोचा चलो बाहर चलते हैं चक्कर मारने, और साथ में व्लॉग कर लेंगे। अभी मैं कुछ ऐसी लोकेशन पर रुका हूँ, ये सामने देख लो, और अभी मैं जा रहा हूँ मुगल गार्डन, और व्लॉग में बने रहना, आगे जैसा भी रहेगा तो गाइस पूरा शेयर करूँगा आपको। आपको पता है इस वक्त जितने भी गार्डन हैं कश्मीर में सब खुले हुए हैं, और मतलब हज़ारों लाखों किस्म के जो फूल होते हैं गार्डन में, और वहाँ पहुँचते हैं, और जैसा भी रहेगा तो आपको पूरा बताते हैं, व्लॉग में बने रहना। और गाइस, कश्मीर में ना ये जितने भी गार्डन हैं सबके साथ जो मुगल गार्डन ही लगता है, क्योंकि ये मुगल खानदान था, जब मुगलों के दौर के ही बाग हैं ये सारे। जैसे निषाद गार्डन है उसके पीछे भी मुगल गार्डन लगा हुआ है, शालीमार गार्डन है उसके पीछे भी मुगल गार्डन, और चश्माशाही उसके पीछे भी मुगल गार्डन। और निषाद जो है ये आसिफ जहाँ था, जो नूर जहाँ का भाई था, उसने अपनी बहन को मतलब बना के गिफ्ट में दिया था। गाइस, गाड़ी हमने पार्क कर दी वो सामने, तो अभी चलते हैं गार्डन के अंदर, और आगे जैसा भी रहेगा तो आपको पूरा बताते हैं, व्लॉग में बने रहना एंड तक। पहले ना पार्किंग जो वो उधर ही गार्डन के सामने होती थी, अभी पार्किंग ना काफ़ी दूर है इधर पीछे, तो काफ़ी पैदल आना पड़ता है, कम से कम को आधा किलोमीटर होगा, वो सामने से इधर आके गाड़ी पार्क करके फिर जाना पड़ता है गार्डन में, और जाना तो पड़ेगा, चलते हैं वहाँ पर तो आपको भी बताते हैं। तो भाई अभी भी चल रहे हैं, और वो सामने देख लो जो गार्डन का गेट है वो सामने है, और चलते हैं वहाँ पर। तो गाइस, ये आ गया सामने एंट्री गेट, और रश देख लो सामने कितना रश है, सामने देख लो, यहाँ से आइए सामने मुगल गार्डन। फाइनली गाइस, ये आ गया इसका एंट्रेंस, ये सामने देख लो, और बहुत प्यारा बाग है भाई, और यहाँ पर फूल अगर तोड़ोगे तो उसके ऊपर आपको यहाँ पर जुर्माना भी हो सकता है। और ये वाला गार्डन जो है ये आसिफ जहान ने अपनी बहन को गिफ्ट में बना के दिया था, जो मतलब शाहजहान का ब्रदर इन लॉ था। और सामने देखो चनार के कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, और ऊपर किस तरह बादल छाए हुए, ये सामने देखो फुहारे लगे हुए, और इनसे ना यहाँ बाग की रौनक जो और ज़्यादा मतलब बढ़ जाती है। और सामने करोड़ देखो यार, कितने लोग हैं भाई सामने देखो, और सब जो बाहर से आए हुए हैं, ये सामने देखो। यहाँ आने से पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी, और 12 रुपये के 15 रुपये छोटे बच्चे की है, और बड़े बंदे की 24 रुपये टिकट है, वो लेके फिर आपको अंदर आना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा करोड़ है भाई, बहुत ज़्यादा, सबसे मस्त बाग है श्रीनगर में, सामने देख लो, सब टूरिस्ट है और सब बाहर से आए हैं।
ये देखो हर किस्म के फूल आपको यहाँ पर मिलेंगे, और चिनार के इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, और ये जो पहाड़ हैं इनको बोलते हैं, पीछे जो बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, ये सामने इस साइड ये जो पहाड़ हैं इनको बोलते हैं जबरवन पहाड़, और जबरवन पहाड़ों के बीचों बीच है ये, बहुत मस्त पार्क है यार। तो गाइस सामने करोड़ चक्कर, और यहाँ पर ना आप अपने फ़ोटो शूट अगर करवाना चाहोगे यहाँ का कश्मीरी ड्रेस लगा के, तो वो भी करवा सकती हो। ये सामने बंदे खड़े होते हैं यहाँ पे, और भाई जिधर जाओ ना करोड़ ही करोड़ है ये। वो नीचे से स्टार्ट हुए थे हम, और आते आते बाग के एंड तक ऊपर तक आ गए, और करोड़ उसी तरह है। और सामने देख लो ये जो कश्मीरी ड्रेस वगैरह रखे हुए हैं, ये सामने देख लो, ये देखो लोगों ने सामने ड्रेस लगाए हुए हैं, के सामने चेक करो गाइस। और ये सामने देखो आपको हर कलर में यहाँ पे ड्रेस मिलेगा, ये सामने देख लो लड़कियों ने भी जो है लगाया हुआ है कश्मीरी ड्रेस लगा के, आप अपना फोटो शूट जो करवा सकते हो। ली गाइस काफ़ी टाइम से आए हुए थे, हमने बाइट वगैरह ली और घूमे, पूरा मज़ा लिया। तो अभी लेट हो रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं, कैसा लगा तुझे? और अभी यहाँ से अच्छा लगा यार, और अभी यहाँ से निकलते हैं, और आगे जैसा भी रहता है तो आपको पूरा बताते हैं। बट यार जन्नत है, आपने पीछे देखा होगा मैंने पूरा आपको बताया। और व्लॉग को शेयर लाइक कमेंट करना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस रश चेक करो सामने, आप जिस साइड जाओगे आपको रश ही रश करोड़ ही करोड़ मिलेगा, ये सामने देख लो। और सब बाहर के टूरिस्ट हैं, और अभी चलते हैं यार, भूख भी लगी हुई है और लेट भी हो रहे हैं, काफ़ी टाइम से आए हुए थे। और निकलते हैं यहाँ से, और आगे जैसा भी रहेगा तो आपको पूरा बताएंगे। तो गाइस यहाँ पहुँचे हैं कुछ ऐसी, ये देखो मोटरसाइकिल पर कुछ ऐसे चलती फिरती दुकान है, और यहाँ पर सब कुछ मिलता है। और यहाँ से लेते हैं मोमोज, फाइनली गाइस मोमोज भी आ गए, ये देख लो कितनी प्यारी चटनी है इसके साथ। तो फाइनली गाइस चलते हैं अपनी गाड़ी के पास, ये सामने लगी है गाड़ी, और अभी यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। और व्लॉग को यहीं एंड करूँगा, शेयर लाइक कमेंट कर देना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट मस्त से व्लॉग में। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।